गुरु रूप सत्संग जीओ विचार आरंभ करिए। प्रथम सनेमर गुरुदेव की फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धर्म की साधना मन की साधना है। मम्मा मन स्यों काज है, मन सा दे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलया न कोय। मन जैसा होर कोई नहीं, क्यों? मन मन्ने ते परमात्मा है, मन नहीं मनदा ते नहीं है। फिर सारी मनन ते है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अकाल उस्तद दी बाणी विच मन नू गुरु कहा। मन ही गुरु है। सर्व काल है पिता अपारा, देव काल का मात हमारा। मनुआ गुरमुर मनसा माई, जिन मोह को शुभ क्रिया पढ़ाई। साहिब कहिंदे ने मनुआ गुरमुर मनसा माई, ये जिहड़ा मेरा मन है मेरा गुरु है। क्यों? मन मन्ने परमात्मा है, मन नहीं मनदा तो कम से कम मेरी दुनिया च परमात्मा नहीं है, मेरा मन नहीं मनदा। मन मन्ने ते ईश्वर है, मन ना मन्ने ते नहीं है। सत्संग देच आनदा इतना ही मुद्दा है, मतलब है किसी तरीके नाल मन परमात्मा नूं परमात्मा करके मन लवे। जिस तरह मन ने पुत्र नूं पुत्र करके मन लिया, मन ने मित्र नूं मित्र करके मन लिया, मन ने मां बाप नूं मां बाप करके मन लिया, मन ने बिरा नूं बिरा करके मन लिया, मन ने पत्नी नूं पत्नी करके मन लिया, मन ने पति नूं पति करके मन लिया, मन ने परमात्मा नूं परमात्मा करके नहीं मनिया, नहीं मनिया। धार्मिक विद्वान ये आंकड़े पेश करते ने, कोई हजारां विच इक अद मनुख दा मन है जो परमात्मा नूं मनदा है। और लिखारी इंज कहिंदे ने, भी असी लिहाज नाल कहिंदे पया, वरना कोई लखां च इक अद है। लोकी निराश नाम ने इस वास्ते कह रहे, कोई लखां विच इक अद मनुख है जिसका मन परमात्मा नूं परमात्मा करके मनदा है। जिसका मन परमात्मा नूं परमात्मा करके मनदा है, गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, मन्ने की गत कही ना जाए, उसकी महिमा बयान नहीं की जा सकती। वो इतना अजीम है, इतना महान है। महाराज कहते हैं जगत च उतना कागज ही नहीं है कि मनन वाले की महिमा लिखी जाए। संसार दे इस तरह के कोई कलम दे धनी नहीं है। जगत दे इस तरह के कोई विचारक दार्शनिक चिंतक ही नहीं है जिसने परमात्मा नूं परमात्मा करके मन लिया उहदी महिमा लिख सके। मन ने की गत कही न जाए, जे को कहे पछे पछताए। क्यों? अगर उसने लिख भी लिया या बोल भी दिता, उन्हों बाद च पता चलेगा जिन्हें प्रभु नूं मने है, मैं उसकी महिमा पूर्ण नहीं बयान की थी। मेरिया दितियां हुई तशबियां दिते प्रमाण व्यर्थ ने, फिजूल ने। यह गल वखरी है, संत जन भगत जन तशबियां देंदे ने और जुड़िया हुई आत्मावां दियां महिमा गायन करदे ने, लेकिन फिर भी कह देंदे ने तशबी पूरी नहीं है, प्रमाण पूरा नहीं है। चलो मैं दो उदाहरण थोड़े सामने रखा।
संत दी महिमा बयान करदे होए राम चित्र मानस रामायण दे करता कवि तुलसी इंज कहंदे ने संत रेदा नवनीत समाना कहा कवने पर कहा न जाना। संत दा हिरदा नवनीत दी तरह है। नवनीत मक्खन नू कहंदे ने। संत दा हिरदा इतना कोमल है जितना कि मक्खन। संत रिदा नवनीत समाना कहा कबने पर कहा न जाना। तुलसी कहंदे ने मैं आख ते दिता है भी संत दा हिरदा नवनीत दी तरह है, मक्खन दी तरह है, पर कहंदे ने मैनू कहण दा ढंग नहीं आया, मैं ठीक नहीं आख्या, मैं ठीक नहीं बोलिया। अक्सर ईश्वर दी महिमा गायन करन वाले ते जिन्हां ने ईश्वर नू मन्या उन्हां दी महिमा गायन करन वाले बाद च उन्हां नू एक पश्चाताप रहिंदा है कि ऐसी गल पूरी नहीं आखी। जे को कहे पछे पछता, गल पूरी नहीं आखी और पूरी कह भी नहीं सकते। तो हुण तुलसी कहिंदे ने संत दा हिरदा नवनीत दी तरह है, मक्खन दी तरह है, इतना कोमल है। पर फिर तुलसी कहंदे ने मैनू कहण दा ढंग नहीं आया, मैं कोई तशबीह चंगी नहीं दित्ती, मैं कोई दलील चंगी नहीं दित्ती। कहा कवने पर कहा ना जाना, क्यों? अगां चल के दसदे ने निज पर ताप द्रवे नवनीता। मक्खन नू सेक लगदा है पिघलदा है, मक्खन नू तपश लगे पिघलदा है। निज पर ताप द्रवे नवनीता पर दुख दरवे संत पुनीता। संत दा हिरदा ते इतना कोमल है सेक किसे होर हिरदे नू लगदी है पर पिघल उसका हिरदा जांदा है। दुखी कोई होर होया रुदन ए करन लग पैंदा है। मक्खन नू सेक लगे मक्खन पिघलदा है, पर संत दा हिरदा ते उदों भी पिघल जांदा जब दूजे नू सेक लगे, तीसरे नू सेक लगे, चौथे नू सेक लगे। इस वासी तुलसी कहंदे नहीं, मक्खन भी इतना कोमल नहीं जितना कि संत दा हिरदा है। भाई साहब भाई नंद लाल धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे मुखारबिंद चो निकले हुए बोलां दी उपमा कर दें, नाले तशबीह दें दें। मिसले दहाने तंग तो तुंगे शकर ना बाशद, ई मिसल रा के गुफ्तम जी खूब तर ना बाशद। ऐ गुरु गोबिंद सिंह थोड़े मुखारबिंद चो निकलिया होया एक बोल मानो एक बोरी खंड दिए, तुंगे शकर न बाशद। एक तुंगा एक बोरी शक्कर दिए, थोड़े एक बोल दिच इतनी मिठास है, थोड़े एक बोल दिच इतना रस है। मिसले दहाने तंग तो तुंगे शकर न बाशद, ई मिसल रा के गुफ्तम। ई जो मैं मिसाल दिती है ई मिसल रा के गुफ्तम जी खूब तर न बाशद, ये मैं ठीक नहीं दिती। ते जे मिसाल ठीक नहीं दिती फिर दिती क्यों है? जे गल पूरी नहीं है तो फिर आखी क्यों है? जे बयान पूरा नहीं तो फिर वर्णन क्यों कीता है? दलील पूरी नहीं तो फिर दलील पेश क्यों कीती है? करीबन करीबन जितने संत जन ब्रह्म ज्ञानी तशबीहां तो पेश करदे ने पछतांदे ने, ई मिसल रा के गुफ्तम जी खूब तरना बाशद। ई जिहड़ी मैं मिसाल दित्ती है खूब नहीं है, ठीक नहीं है।
चंगे ही नहीं है, मुकम्मल नहीं है। इहदे उत्ते लंबी चौड़ी व्याख्या है। एक बोरी खंड चलो 1,000 बंदियां दे मुंह मिठा कर देगी, मिठास नाल भर देगी, ते बोरी खंड दी खत्म हो गई, ते मिठास भी मुंह दे च 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट रहेगी, वह किन्ने चिर रहेगी? खत्म। शक्कर भी खत्म, मुंह दी मिठास भी खत्म। नंदलाल ये कह रहे ने, हे मेरे पातशाह, थोड़े मुखार बिंद चो निकलिया होया एक बोल हजारां जिंदगियां दे च मिठास भर सकदा है, और सदीवी मिठास कदी खत्म होवेगी नहीं, और थोड़ा बोल भी खत्म होने वाला नहीं भावे 4 युग लंघ जा। अमर बोल है। इस वास्ते मजबूरी च मैं बोरी शक्कर नाल तशबीह दित्ती है, पर ठीक नहीं है। ई मिसल राह के गुफ्तम जी खूब तरना बाशत, जिन्हां दा मन परमात्मा नू मन लैंदा है वो इतने महान ने। साहिब कहिंदे मन ने की गत कही ना जाए, नहीं कह सकते, उहदी महिमा बयान नहीं कर सकते। अगर कोई करे जे को कहे पछे पछताए, बाद विच पछतावेगा। मैं अर्ज करा, अगर 10,000 बंदियां दा इकट्ठ होवे किसे तीरथ ते किसे धार्मिक मंदिर दे, हो सकदा किसे इक अद्धा मन परमात्मा नू परमात्मा करके मनदा होवे, बाकियां दा नहीं। बाकी कोशिश पे कर दें, यतन पे कर दें। मन जिस नू मनदा है फिर मन उस दी मनदा है, दूजा नुकता। जिस नू मेरा मन नहीं मनदा मैं उस दी मन भी नहीं सकदा। असी किस दी गल मनदे हैं? जिसनू मन मनदा है। देखण दे चाया मनुख इहदा मन पुत्तर दी गलत गल भी मन सकदा है, गुरु दी सही भी नहीं मन सकदा, पत्नी दी गलत गल नू भी मन लिया है, गुरु दी सही गल नू भी ठुकरा दिता है, पति दी गलत गल नू भी मन लिया है, भरा दी गलत गल नू भी मन लिया है, गुरु की सही गल भी नहीं मन्नी। मित्र की प्रेरणा नाल मित्र के कहने से शराब पीने भी तैयार हो गया, ये गुरु के कहने से अमृत छकन भी राजी नहीं। जिसनों मन मंद है मन उसकी मंद है, बगौर मुताला करना। गुरु को सुन लेना होर गल है, गुरु को मन लेना होर गल है। गावीए सुनिए मन रखिए भाव, सुनिए मनिए मन कीता वाह। ये बहुत सारिया इस तरह दिया पंक्तियां ने। सुनिया होया बेमैनी हो जाएगा अगर मन ने मनिया नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने, मेरा मन मेरा गुरु है, मनोआ गुरु मुर मनसा माई, जिन मोह को शुभ किरिया पढ़ाई। ये मेरा मन मेरा गुरु है, मैं फिर दोहरावा, मन मनने ते गुरु है, मन नहीं मनदा ते कोई गुरु नहीं है। बथेरियां दे मन नहीं मनदे। अक्सर मनुख कह देंदा है, मैं पढ़िया ते है पर की करिए मन नहीं मनदा, मैं सुनिया ते है पर की करिए मन नहीं मनदा। तो जो मन नहीं मनदा तो पढ़िया होया व्यर्थ चला गया, मन नहीं मनदा तो सुनिया होया की मैंने रखदा। मनुआ गुरु मुर मनसा माई, जिनमो को शुभ किरिया पढ़ाई। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने, मन मेरा गुरु है, क्यों? मन ने मन लिया है, परमात्मा नू परमात्मा करके मन लिया है। अक्सर मन परिवार नू परिवार करके मन लेंदा है, भरा नू भरा करके मन लिया है, मित्र नू मित्र करके मन लिया है, पुत्र नू पुत्र करके मन लिया है, गुरु नू गुरु करके मनना बड़ा औखा है, प्रभु नू प्रभु करके मनना बड़ा औखा है, इनकारी है। जिन्हों मन मनदा है फिर उसकी मन मनदा है, ते जिसनों मन ने मने है मन याद भी उसे नू करेगा दूजे नू नहीं। ये भी मैं अर्ज कर दें। यादां किस दी आणगियां जिसनों मन मनदा है?
ते मन दे ते जिस दा प्रभाव है वो साड़ी सिमरती बनेगा, वो साड़ी याद बनेगा, वो साड़ा चेता बनेगा। जिसनों मन ने मनिया नहीं उन्हों याद करना भी औखा है। दुनिया भर दे पैगंबरी पुरुषों ने यह आख्या, याद करो, सिमरन करो, चेते करो। संस्कृत देच कहिंदे ने सिमरन करो, उर्दू च कहिंदे ने याद करो, और पंजाबी च कहिंदे ने चेते करो। किसनों चेते करो, किसनों याद करो, किसदा सिमरन करो? परमात्मा दा। ते परमात्मा नू मन मनदा नहीं तो सिमरन देच किस तरह आवे, चेते च किस तरह आवे? धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, चेता आई है तेरे कोल चेते शक्ति, याद शक्ति। चेता आई तां चेत साहिब सच्चा सोधने। जे तेरे कोल चेते शक्ति है तां वो जो सच्चा है, जो मालिक है, उन्हों चेते कर। पर जितने चिर तक मन ने मनिया नहीं, चेते करना कठिन है। देखो, पुत्र नू याद करना वे वाजा वजाण दी लोड़ नहीं, तबला खड़कान दी भी लोड़ नहीं, ते फिलसफा घोटन दी भी लोड़ नहीं, कथा कहानियां दी भी लोड़ नहीं। परिवार नू याद करना है, कोई पूजा पाठ दी लोड़ नहीं है। धन संपदा नू याद करना है, कोई कथा कहानियां दी लोड़ नहीं है। मित्र नू याद करना है, ये वाजे खड़कान दी, छहने खड़कान दी लोड़ नहीं है। पर हुण परमात्मा नू याद करना है, वाजे भी बजाओ, तबले खड़काओ, कथा करो, पूजा करो, पाठ करो, सेवा करो, दान करो, पुन करो। पर हकीकत है, इस सब कुछ दे करण दे बावजूद भी परमात्मा याद नहीं आउंदा, नहीं आउंदा। हकीकत है, सच्चाई है, ये असलियत है। जिसनों मन ने मनिया नहीं उन्हों हिरदा याद किस तरह करे? तो सत्संग दा पहला लाभ ए है कि मन परमात्मा नो परमात्मा करके मन लवे। कीता होया सत्संग उस बंदे दा सफल हो गया जिस दे मन ने परमात्मा नो परमात्मा करके मन लिया। ते जे मन लिया ते हुण भुलेगा नहीं, बिसरत ना ही मन ते हरी। भगत कबीर कहिंदे ने, मैनूं ते भुलदा ही नहीं, हर वक्त याद बनी रहिंदी है। बिसरत ना ही मन ते हरी, भुलदा ही नहीं, हर वक्त याद बनी रहिंदी है। लेकिन आम बंदे चेते ही नहीं आउंदा, याद ही नहीं आउंदा, भुल भुल जांदा है। हकीकत है, दुनिया दे सारे बंदियां नूं याद ही नहीं आउंदा, चेते ही नहीं आउंदा। ते कबीर कहिंदे ने, मैनूं ते भुलदा ही नहीं है। जिसनों मन ने मन लिया है, ते मन जिस तों प्रभावित हो गया है, उन्हों भुलाना बड़ा औखा है। जिसनों मन ने मनिया नहीं, ते मन ते जिसका प्रभाव नहीं, उन्हों याद करना भी बड़ा औखा है, कठिन है। किस तरह याद करिए जे मन ने मनिया ही नहीं? किधरे सौखी खेड ना समझ लेना, मन परमात्मा नू मन लवे। जो मन लेंदा है, गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, उसकी महिमा ही नहीं बयान की जा सकती, वो इतना महान है। जिस जमीन दे, जिस धरती ते असी जी रहे हैं, इत्थे तीन तरह का जीवन है, तीन तरह की जिंदगी मनदे ने। तन दे तल दा जीवन, मन दे तल दा जीवन, आत्मा दे तल दा जीवन। उन साडा शरीर ते पशुआं दा शरीर जोड़ ते तिन आंदा है, तन मन आत्मा। पर जीवन शैली अलग अलग है। जो तन दे तल ते जीवदे ने उन्हां नूं पशु कहिंदे ने। सिर्फ तन दीआं लोड़ां ते तन दे तल ते जीवना, इस तों अगे भी कोई दुनिया है, ये पशुओं नूं नहीं पता। जो तन दे तल ते जीवदे ने उन्हां नूं कहिंदे ने पशु, जो मन दे तल ते जीवदे ने उन्हां नूं कहिंदे ने मनुष्य। पंजाबी च असीं मनुख कह दिंदे आ, शब्द मन तो बने आ। मनुष्य जिहदे कोल मन है, मनुख
जिदे कोल मन है और जो आत्मा दे तल ते जींदे ने उन्हां नूं कहिंदे ने देवता फरिश्ता। ये मनुखता तो अगे चले गए। ये तीन तरह की जिंदगी है जिस जमीन ते असी जीवदे हां, पशु मनुष्य देवते। पशु जो तन दे तल ते जी रहे हैं, मनुष्य जो मन दे तल ते जी रहे हैं, देवता जो आत्मा दे तल ते जी रहे हैं। जीवन दे तल अलग अलग ने। सूफी फकीरां नूं पढ़न तो मैनूं इन्ना पता चलिया जिंदगी वह भी तीन तरह की मनते ने, हैवान इंसान फरिश्ते। करीबन करीबन हाफिज ने इस तरह ही मनिया, मौलाना रूम ने यही मनिया, शेख सादी ने यही मनिया। जो तन दे तल ते जी रहा है हैवान, जो मन दे तल ते जी रहा है इंसान, जो रूह दे तल ते जी रहा है फरिश्ता है, वो ते फरिश्ता है। मैं फिर अर्ज करा, हो सकता है दो पैर होवन दो हथ होवन, शकल मनुखा ली होवे, अगर मन दे तल ते नहीं जी रहा तो फिर पशु है। सिर्फ इतना है, चार पैरां वाला पशु नहीं, दो पैरां वाला है। करतूत पशु की मानस जात, जात करके शकल करके मनुख दिखाई दे रहा, मनुख नहीं है, मन दे तल ते जी नहीं रहा। मन दे तल ते जीण तो मुराद विचारां दे तल ते जी रहा है, सोचणी दे तल ते जी रहा है, समझ दे तल ते जी रहा है, यादां दे तल ते जी रहा है, सूझबूझ दे तल ते जी रहा है। बड़े ध्यान नाल सुनना, जो तन दे तल ते जी रहा हैवान, जो मन दे तल ते जी रहा इंसान, और जो आत्मा रूह दे तल ते जी रहा है फरिश्ता। शेख सादी साहब कहिंदे ने, इंसान रा इंसानियत लाजम अस्त। मनुख दे अंदर मनुखता लाजमी चाहीदी है। अगर शकल सूरत इसकी मनुख दी है तो कम से कम इस दे अंदर मनुखता चाहीदी है। शकल सूरत अगर इसकी इंसान दी है तो इस दे अंदर इंसानियत चाहीदी है। इंसान रा इंसानियत लाजम अस्त, उदगर बोना बाशद हैजम अस्त। वो कहिंदा अगर सुगंधी नहीं है तो फिर चंदन नु चंदन कहने दी की लोड़ है, आम लकड़ है। उदगर बोना बाशद हैजम अस्त, अगर खुशबू ही नहीं है इनू चंदन कहने दी की लोड़ है, इते आम लकड़ है क्योंकि इहदे च खुशबू नहीं है। इंसानियत ही नहीं है ते इनू इंसान कहने दी लोड़ की है, हैवान है। इंसान रा इंसानियत लाजम अस्त। पहचान किवें होवेगी, ये मनुख वाकई मन दे तल ते जी रहा है, तन तो उच्चा उठा होया है, इहदे अंदर मनुखता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करदे ने, ज्यों मन अपना पर मन तैसा। वो इस तरह जीवदा है जैसे मेरा मन है दूसरे का भी हो गया। मैनू दुख नहीं चंगे लगते, कोई मैनू दुखी करे मैनू चंगा नहीं लगता, तो मैं भी किसी ने दुखी करा उन्हों भी नहीं चंगा लगता। ज्यों मन अपना पर मन तैसा। जे घोड़ा बोल मैनू नहीं चंगा लगता, दूजे नू भी नहीं चंगा लगता। कीती हुई बेइंसाफी मेरे नाल जे मैनू नहीं चंगी लगती, दूजे नू भी नहीं चंगी लगती। मनुष्य जो अपने लिए नहीं मंगता वह दूजियां लिए भी नहीं मंगता, उस तरह का दूजे लिए भी नहीं चाहता। इनू कहिंदे ने इस दे अंदर मनुखता है, इहदे अंदर इंसानियत है। ज्यों मन अपना पर मन तैसा, गुरु नानक बड़ी कीमती गल करदे ने। इस मनुख दे अंदर मनुखता है, पहचान, जैसा मेरा मन है वैसा ही दूसरे का है। मेरी कोई बेइज्जती करे मैनू नहीं चंगा लगता, दूजे नू भी नहीं चंगा लगता, दूजे नू भी चोट पहुंचती है।
मेरे नाल कोई बेईमानी करे मैनू नहीं चंगी लगती, दूजे नू भी नहीं चंगी लगती। मेरे नाल कोई कौड़ा बोले मैनू नहीं चंगा लगता, दूजे नू भी नहीं चंगा लगता। मैनू कोई जरब पहुंचाए चोट पहुंचाए नहीं चंगा लगता, दूजे नू भी नहीं चंगा लगता। जो अपने मन दे नाल नाल दूजे दे मन नू विवेखदा है और उस ढंग नाल व्यवहार करता है, जो अपने वास्ते नहीं चाहता वह दूजे वास्ते भी नहीं चाहता। ज्यों मन अपना पर मन तैसा, गुरु नानक कहिंदे ने उस दे अंदर मनुखता है, इंसानियत है। दुनिया दे जिहड़ी जनगणना होई है ना मरदमशुमारी, उहदे हिसाब नाल मैं पिछले दिन ही जो आंकड़े पढ़े, अंदाजन सारी दुनिया दे कोई 6 अरब दे करीब मनुख है ना इस वक्त, सारी दुनिया दे, जिहदे च अद्धे तो थोड़ा जिहा भाग चाइना ते इंडिया दे च, हिंदुस्तान दे च 1 अरब दे करीब मनुख हो चले ने भारत दे च, ते 1.25 दे करीब चीन दे च ने। सारी दुनिया दी आबादी जो 6 अरब मनुखां दी है, जे गुरबाणी दी रूप रेखा दे मुताबक नापांगे तोलांगे कुछ हजार ही ऐसे होणगे जिन्हां नूं असीं मनुख कह सकदे हां, वरना मनुख नहीं ने, नहीं ने। तो फिर की ने, करतूत पशु की मानस जा, दिखाई मनुख दे रहे ने, मनुख नहीं ने। अपने लिए ते बेइज्जती नहीं चाहते, दूजे की बेइज्जती करते ने। अपने लिए ते दुख नहीं चाहते, दूजे नूं दुखी करते ने। खुद ते गोला बचन कौड़ा बोल सुनना नहीं चाहते, दूजे नूं सुनांदे ने। अपने नाल कोई बेईमानी करे तो इन्होंने पसंद नहीं, पर दूजे नाल बेईमानी करते ने। अपने नाल कोई धोखा करे वह धोखेबाज चंगा नहीं लगता, दूजे नूं धोखा देंदे ने। इस मनुख दे अंदर मनुखता नहीं है, इस मनुख दे अंदर इंसानियत नहीं है। इंसान रा इंसानियत लाजमस्त, उदगर बूना बाशद है जमस्त। ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਮਨੁਸ਼ ਦੇਵਤੇ। ਇਸਲਾਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਹੈਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ। ਹੈਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਹੈਵਾਨ ਹੀ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਚ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਚ ਹੀ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜੈਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜੈਸਾ ਹੈ ਵੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੈਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ ਵੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ 3 ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ, ਜਿਨ ਮਾਨਕ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਈ ਦਫਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। आनंद सुख नहीं आता, आनंद सुख दुख तो उची अवस्था है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भय नहीं जाके कंचन माटी माने। ये आनंदमय अवस्था है, देवते जींदे ने, संत जींदे ने। पशु सारे दे सारे सुख दे जींदे ने, देवते संत सारे दे सारे आनंद दे जींदे ने।
दुख सुख तो उच्चे उठ जाते हैं। आमदे ने उन्होंने दुख, आमदे ने उन्होंने सुख, उस तो उच्चे जीवते हैं। मैं फिर दोहरावां, सारे पशु सुख दे जी रहे हैं, सारे देवते आनंद दे जी रहे हैं, दुख दे केवल मनुख जी रहे हैं। दुखी केवल मनुख है, रूहे जमीन ते अगर दुखी देखना होवे तो मनुख नू देख लो। एक दो मनुख दुखी नहीं, सारे ही दुखी ने। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। सारे ही दुखी ने, दुखां दे कारण अलग अलग हो सकते ने, दुख अलग अलग हो सकते ने, हैं ते सारे ही दुखी। गुरबाणी किसी नूं सुखी नहीं मनदी, मनुख है ही ऐसा दुखी। हुण दूसरा नुकता समझ लेना, जितना स्याणा मनुख होवेगा उतना दुखी होवेगा, जितना मूर्ख होवेगा उतना दुखी नहीं होवेगा। पशु इस वास्ते दुखी नहीं क्योंकि वह स्याणे नहीं ने, अबोध ने, उन्हां दा मन विकसित नहीं होया, उन्हां दी सूझ समझ इतनी नहीं है, इस वास्ते वह दुखी नहीं ने। हकीकत है, धन गुरु नानक देव जी महाराज ते अपनी बाणी च इक थां ते पंछियां बारे कहिंदे ने, परिंदे ना गिरहे जर, दरख्त आब आस कर, देहंद सोही एक तो ही, एक तो ही तिलंग मल्ला पहला। गुरु नानक दी बाणी, बहुत सारे शब्द गुरु नानक दे परशिन दे च ने, एक शब्द बिल्कुल शुद्ध फारसी दे च है, यक अर्ज गुफ्तम बेश तो दरगोश कुन करतार, अक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। सारा सारे दा सारा शब्द बड़े अजीबो गरीब अवस्थावां नाल भरे होया। साहिब कहिंदे ने परिंदे ना गिरहे जर, पंछियों कोलों धन नहीं है, संपदा नहीं है, और इन्हां कोल कल वास्ते दाणा दुणका भी नहीं है। परिंदे ना गिरहे जर, इन्हां कोल जर धन संपदा नहीं है, इन्हां कोल पैसा धैला नहीं है, इन्हां कोल कल वास्ते दाणे दुणके भी कोई नहीं। शाम दा समय चह चहांदे होए नगमे अलापदे होए अपने घोंसलियां दी तरफ आ रहे ने, पहुंच गए घोंसलियां दे च। रात दा पहला पैर समाप्त होया, गीत गांदियां गांदियां सौ गए। रात दा चौथा पैर आरंभ होया, गीत गांदियां गांदियां उठ बैठे ने, चह चहांदियां होया नगमे अलापदियां होया। जरा चानना हो गया, प्रकाश हो गया, तो गीत गांदियां होया रिजक दी तलाश दे च निकल पए ने। सारा दिन रोजी कमांदे रहे, रिजक लभदे रहे, शामां पै गईयां, फिर चह चहांदे होए नगमे गांदे होए अपने घोंसलियां दी तरफ। रात दा पहला पैर समाप्त होया, गीत गांदियां गांदियां सौं गए। रात दा चौथा पैर आरंभ होया, पो फुटी, गीत गांदियां गांदियां उठ बैठे। चानना हो गया, नगमे अलापदे हुए घोंसलियां नूं छड़ के रिजक दी तलाश दे। इस वास्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दा इत्थे बड़ा सुंदर वाक है, हौं बलहारी तिन्ना पंछियां, जंगल जिन्ना वास, कक्कर चुगन थल वसन, रब न छोड़न पास। अकबर ने बीरबल ते सवाल कीता सी, बीरबल कदों सोना चाहिए, कदों जागना चाहिए। बीरबल ने कहा, जहां पना जद पंछी सौ जांदे ने सौ जाना चाहिए, जद पंछी उठ बैठदे ने उठ बैठना चाहिए।
पंछियां दा सोना ते जागना प्राकृतिक है, कुदरती है, रब्बी नियम दे मुताबिक है। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, पशु सुख दे जी रहे हैं। जिमें मैं अर्ज की थी, गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कल वास्ते पंछियां कोल कुछ भी नहीं है, लेकिन गीत गांदे होया आ रहे हैं अपने घर, कल वास्ते कुछ भी नहीं है, गीत गांदियां गांदियां सौं गए, सवेरे गीत गांदियां गांदियां उठे ने, फिर गीत गांदियां गांदियां नगमे अलापदे होया रिजक दी तलाश, हजारां तरह दियां चिंतावां लेके मनुख शाम नू अपने घर आउंदा। आम मनुखां दे हालात, हजारां तरह दे स्यापे लेके रात नू सौंदा है, हजारां तरह दे दुखड़े बखेड़े लेके सवेरे उठदा है, हजारां तरह दे गम लेके घरों निकलदा है, ते हजारां तरह दे रोने लेके शाम नू घर वापस आउंदा है। मनुख कोल इस तो इलावा होर है कि जद के इस दे कोल सत पीढ़ियां दे भी खाण वास्ते होवे, कल वास्ते भी बथेरा है, कई सालां वास्ते है, फिर भी रोंदा आ रहा है घर, फिर भी होके भरदा आ रहा है। पंछियां कोल ते कल वास्ते भी कुछ नहीं, फिर भी गीत गांदे आ रहे हैं, पंछियां कोल ते कल वास्ते भी कुछ नहीं, फिर भी गीत गांदियां गांदियां सो रहे ने। गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल ते लंग मल्ला पहला, परिंदे ना गिरह जर द्रख्त आब आस कर, देहंद सो ही एक तो ही एक तो ही। इन्हां कोल धन संपदा नहीं है, पर इतना पता है अज मिलिया ते कल मिलेगा, मिलेगा आज, रजक रिजक मिले है कल मिलेगा। मनुख बड़ा चिंता तो रहे, आज गल बनिए शायद कल ना बने, शायद ना बने। मनुख ते हजारां साल दा इंतजाम करदा है, भावें जीवना दो चार दिन दा होवे, बड़ा कुछ करदा है, बड़ा अडंबर है, पर इतने बावजूद भी दुखी है। जितना स्याणा है उतना दुखी है, जितना धनवान है उतना दुखी है। चाणक ऋषि का अनुभव मैं थोड़े सामने रखा, वो कहिंदा है चोटी का धनवान बन के ही पता चलता है कि मैं अंदरों कितना गरीब हाँ, मुफलिस हाँ, उंज नहीं पता चलता। एक गरीब बंदा बाहर की गरीबी नाल उलझिया होया है, एक मुफलिस मनुख बाहर दी मुफलिसी नाल उलझे हुए। बड़े ध्यान नाल सुनना, बहुत सारी धन संपदा प्राप्त करके मनुख नूं अपने अंदर दी गरीबी दा पता चलता है, मुफलिसी दा पता चलता है, भी कुछ भी नहीं, सब कुछ प्राप्त करके पता चलता है कुछ भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले। बहुत वड्डी ताकत प्राप्त करके ही अपने अंदर दी कमजोरी दा पता चलता है। दुनिया दे बड़े शक्तिशाली मनुख मन्ने जान वाले अंदरों बड़े भयभीत आउंदे सन, रात नूं सुपने भी उन्हां नूं डरावणे आउंदे सन। बहुत वड्डी ताकत प्राप्त करके ही अंदर दी कमजोरी दा पता चलता है, बहुत वड्डी धन संपदा प्राप्त करके अंदर दी गरीबी दा पता चलता है, और बहुत वड्डा ज्ञान प्राप्त करके अंदर दे अज्ञान ते मूर्खता दा पता चलता है। जिहड़ा मनुख अजे बाहरों ही मूर्ख है, उन्हूं अंदर दी मूर्खता दा की पता चलेगा। बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करके पता चलता है मैं कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, अपने अज्ञान दा पता चलता है। की होया सागर दे इक चम्मच पानी दी मिल भी गई तुम्हें, मेरी जानकारी इस तो ज्यादा नहीं हो सकती, मनुख ऐसा समझदा है। मैं एक दफा फिर दोहरावां, बहुत सारी धन संपदा प्राप्त करके ही पता चलता है अपनी अंदर दी गरीबी का।
ਜਿਸਨੂੰ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੁਫਲਿਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮੁਫਲਿਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਵਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ 'ਚ ਭੱਜ ਦੌੜ ਹੈ ਉਸਦੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੁਫਲਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਨਾੜ ਜੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋ ਦੀਸੇ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਕੋ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਲੋ। ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੁਫਲਸੀ ਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ, ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜ਼ੌਕ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਅਮੀਰ ਮਿਨਾਈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਬ, ਉਸਤਾਦ ਜ਼ੌਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸਤਾਦ ਜ਼ੌਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਮ ਜਾਣਤੇ ਥੇ ਕਿ ਇਲਮ ਸੇ ਕੁਛ ਜਾਣੇਂਗੇ, ਜਾਣਾ ਤੋ ਇਹ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਆਣਪ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਆਣਪ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਿਆਣਾ। ਔਰ ਕਦੀ ਕਬੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਭਾਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੁਫਲਸੀ ਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੁਫਲਸੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਅਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਅਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮੁਫਲਿਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਾਥਾ ਚੇਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਏਥਿਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ, ਫਾਤਿਹ ਆਜ਼ਮ, ਮਹਾਨ ਸਿਕੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੰਵਾਰੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਈ ਉੱਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਉਮੜੀ ਦੇਖਣ, ਫਾਤਿਹ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਹਾਥੀ। ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਹੀ ਅਦਾਬ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਫਰਸ਼ੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਤੇ, ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ, ਉਹ ਖੜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਖੜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਾਮਾ ਵੀ ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ ਸੀ, ਤਨ ਦਾ ਚੋਲਾ ਵੀ ਪਾਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਸਤਰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸਨ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁਫਲਿਸ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਿਮਾਣਾ ਨਿਤਾਣਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਥੀ ਰੁਕਵਾਇਆ,
ते हाथी ते बोलने बैठे ये आख्या ऐ मंगते है तेरी शामत ते नहीं आई, तू शाही अदाब नहीं जानता, इतों के रस्मों रिवाज नहीं जानता। इतना उच्चा ते क्रोधित होके सिकंदर बोले, फकीर दी अखां खुलियां, उस बंदे दी अखां खुलियां, उसने देखिया। और उन्हें यह भी पता होंदा सी, फकीरां नूं पता होंदा है राज हट योग हट बाल हट इन्हां दा उन्हां नूं ज्ञान होंदा है, पता होंदा है। एकदम पैंतरा बदल के इस मस्ताने ने इंज आख्या, सिकंदर मैं तेरा मस्तक देख रहा सी, तेरे मत्थे दियां लकीरां दसदियां अजे ते तेनू कुछ नहीं मिलिया, तेनू हजारां गुणा ज्यादा मिलेगा, अजे ते तू कुछ भी मुलक फतेह नहीं कीते, बड़े करेगा। सिकंदर सोची पै गया, ते कोई नजूमी है, ज्योतिषी है, ये तो कोई भविष्यवक्ता है, मैं एवें इसनू मंगता कह बैठा ते ताड़ना कीती है। हाथी ते बैठे होया सिकंदर कहिंदा, फकीर साई होर मेरे मस्तक दे च की रखिया है दसो। हुण पहले सिकंदर ने मंगता आखिया सी, हुण फकीर साई कह रहा है, गरज मनुख नूं की दा की बना दिंदी है। फकीर साई होर मेरे मस्तक दे च की लिखिया है, वो मस्ताना फकीर कहन लगा, बहुत कुछ लिखे आया है, बहुत कुछ मैं दे सकदा, एक शर्त है, हाथी तो थल्ले उतर इत्थे मेरे कोल। सिकंदर सोची पै गया, बड़े खून खराबे करने पैंदे, लड़ाइयां लड़नियां पैंदे, किधरे मुल्क फतेह होंदे ने ते दफीने धन संपदा मिलदी है, इहदे असीस दे नाल, इहदे आशीर्वाद दे नाल, इहदे वर दे नाल जे गल बनदी है, सौदा सस्ता ही है, महंगा नहीं है। हाथी तो थल्ले उतरिया, फकीर दे कोल चला गया, आखिया, फकीर साई मेरे मत्थे छोर की लिखे है, मेरिया रेखावां की कहंदियां ने, मैं होर कितने मुलक फतेह करने ने, होर केड़े केड़े दफीने मैनू मिलणगे, तुसी मैनू की दे सकदे हो। फकीर कहन लगा, सिकंदर मैं बहुत कुछ तेनू दे सकदा, बहुत कुछ, ते बहुत कुछ मैं तेनू दस सकदा, लेकिन देन दी ते दसन दी मेरी एक शर्त है कि तू मेरे अगों झोली अड़ के खड़ा हो जा, मैं तेरी झोली च पावांगा। शर्म ते एक दफा आई सिकंदर नू भी, इन्नी पीड़ दे च इस मुफलिस हाल बंदे दे अगों मैं झोली अड़ के खड़ा हुआ, शर्म ते आई। फिर सोचदा, सौदा सस्ता ही है, महंगा नहीं है, अंजोली अड़के खड़ा हो गया। फाते आजम महान सिकंदर, वक्त दा इतना शक्तिशाली मनुख, जो झोली अड़के खड़ा होया है, फकीर भी बिस्माद दे चला गया, समाधि चला गया, हैरान हो गया। काफी देर तक जब उसने अखां नहीं खोलियां तो सिकंदर कहिंदा, फकीर साईं छेती करो, मैं जाना है, जो कुछ देना है छेती देओ। फकीर अखां खोलदा ते कहिंदा, जा मंगते मैं तेनू कख नहीं देना, तू मैनू मंगता आखिया सी, मैं तेनू मंगता साबित कीता, मंगते कोलो मंग रहे हैं, तू अपने आप नू शहनशाह कहिंदा, बादशाह कहिंदा, मैं तेनू एहसास कराना है इस वड्डी भीड़ दे तेरे जैसा कोई मंगता नहीं है, तेरे जैसा कोई भिखारी नहीं है, मैं तेनू ए एहसास कराना सी, मैनू तो मंगता आखिया जद मैं तेरे कोल कुछ मंगया भी नहीं, ते तू मंगते कोलो मंग रहे हैं, तो खुद सोच तू शहनशाह के महा मंगता है। कहिंदा, बड़ी चोट लगी सी सिकंदर नू, पर थोड़ा जिहा सियाणा सी, सूझवान सी, बर्दाश्त कर गया, चोट सहार गया, क्योंकि थोड़ी जी असलियत ते जाहिर होई। मैं फिर अर्ज करा,
चोटी दी धन संपदा प्राप्त करके ही अंदर दी मुफलसी दा पता चलता है। बस धन प्राप्त करन दा ए लाभ है, इतना लाभ जरूर है। बहुत कुछ मिल के ही पता चलता है, कुछ भी नहीं मिले अंदर दी गरीबी दा पता चलता है। ते जी अंदर दी गरीबी दा नहीं पता चले है, बहुत कुछ मिल के भी, तो अजे फिर मनुख बारों भी गरीब है, बारों भी मुफलस है। शायद मुफलसी बहुत पुरानी है, कई जन्मां दी है, नहीं तो बहुत सारी धन संपदा प्राप्त करके मनुख नूं अंदर दी गरीबी दा पता चलता है। बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करके अंदर दी मूर्खता दा पता चलता है। बहुत सारी शक्ति प्राप्त करके अंदर दी कमजोरी दा पता चलता है। और ऐसा पता सिर्फ मनुख नूं चल सकदा है, पशुआं नूं नहीं। जिसनूं पता चलता है ऐसा महान मनुख है, मामूली नहीं है। जितना सियाणा होवेगा उतना दुखी होवेगा। मूर्ख लोग दुखी नहीं होंदे, ये भी मैं अर्ज करते हैं। मूढ़ बंदे दुखी नहीं होंदे, जैसे पशु दुखी नहीं होंदे। क्यों? दुख नूं महसूस कर सकन इतनी समझ ही नहीं है। जीवन दुख है, जगत दुख है, ऐसा पता चल सके इतनी समझ ही नहीं है। अगर पशु सुख देश जी रहे है तो ना समझी दे कारण करके, ये भी मैं अर्ज करते हैं। सारे पशु सुख देश जी रहे हैं, सारे देवते आनंद दे जी रहे हैं, सारे संत आनंद दे जी रहे हैं, मनुख दुखी है। सिर्फ एक मनुख नहीं, एक मुल्क नहीं, सारे मुल्कां दे मनुख दुखी ने। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। आखिर महात्मा बुद्ध राजकुमार सी ना, राजे दा लड़का सी, यशोदन दा लड़का सी, बिहार दी एक छोटी जी स्टेट उदे मालक सन। धन संपदा दी कमी नहीं सी, ताकत भी सी कोल, फौज भी सी, और उस वक्त दी चंगी तो चंगी जड़ी विद्या हो सकती सी वो महात्मा बुद्ध ने हासिल कीती सी, पढ़िया लिखिया भी सी। लेकिन सब कुछ प्राप्त करके पता चलिया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्हों अंदर दी गरीबी दा पता चल गया। एक बुढ़े नूं देख के उन्हों जीवन दी असलियत दा पता चल गया। एक अर्थी नूं देख के, मुर्दे नूं देख के उन्हों जीवन दी असलियत दा पता चल गया। एक बीमार नूं देख के उन्हों शरीर दी हकीकत दा पता चल गया। रोज बीमार असी देखते हैं, रोज बुढ़िया नूं देखते हैं असी। अर्थियां ते कईयां ने हो सकदा अपने मोंडियां ते ढोईयां होवन, पर उस दे अंदर संवेदना बड़ी सी, महसूस करन दा मादा बहुत ज्यादा सी। जितना सियाणा मनुख होवेगा उतना दुखी होवेगा, ये भी मैं अर्ज कर दिया। और जगत उसके लिए बेमैनी हो जाएगा। जिदी सियाणप बहुत वड्डी हो गई, महान हो गई, उहदे लई जगत छोटा हो जाता है, जगत बेमैनी हो जाता है, वह बहुत दुखी हो जाता है। मैं पढ़ रहा सी एक दिन गालिब नूं, वो कहिंदा बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे, ये सारा संसार की ये बच्चियां दा खेल, होर कुछ भी नहीं है। खिडौणियां नाल खेडना, इस तो इलावा कुछ भी नहीं है। बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। दिन रात ये बच्चियां दा तमाशा हो रहा है, तमाशा। कहिंदा कोई सियाणे मनुखां दा तमाशा भी नहीं है, कोई अकलमंदां दा तमाशा भी नहीं है, मासूम बच्चियां दा तमाशा है। तिफल बच्चे, बाजीचा इतफाल, बाजीचा इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। एक खेल है औरंगे सुलेमां मेरे नजदीक, तख्त सुलेमानी तखत दे लई कितने दुनिया दे चरोले झगड़े खून खराबे। कहिंदे नहीं, ये भी बच्चियां दा तमाशा है, ये भी खिडौणियां दी खेड है। एक खेल है और रंग सुलेमान मेरे नजदीक, एक बात है अज्जाज मसीहा मेरे आगे, हजरत ईसा दे मौज से ए रिदियां सिदियां
ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾ ਵਸੇ ਮਨਾ ਹੈ। ਈਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਧੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾਲਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ? ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਈਸਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕੇ ਆਵਤ ਲਾਜਾ। ਇਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਦਿਮਾਗ, ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਬੇਮੈਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਮੈਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਮਿਲੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਨਾਪ ਲਿਆ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਰਾਖ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਘੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇਹੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਛਪੇ ਸਨ। ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪੰਨ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਣੀ ਬੜੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਆਣੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੋਗੀਆ ਪਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸਦਾ ਲੜਕਾ ਜਾਦੂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੱਥ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਇਕੱਠ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੋਗੀਆ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਪੁਚਾਈ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਦੋ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਈ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਧੋਖਾ ਹੈ, ਛਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਅਤੇ 10 ਪਾਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੈਦਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ 3-4 ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ, ਅਸੀਂ 10-11 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੇ। 7 ਤੋਂ 9 ਉਸਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਾਦੂ ਦੇ ਕਰਿਸ਼ਮੇ, ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ। 7 ਦੇ 8 ਵੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਚੇਵੀਂ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ। ਵੀ ਕੈਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। 8:30 ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਰੀ ਫੰਡ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਔਖੇ ਪਏ ਹੋਣ। 9:45 ਹੋ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਹਾਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
तरह तरह के बंदे उसने खड़े कर रखे सन भी किसी तरीके नाल भी उन्होंने वापस लेना है जेडे बाहर निकल जाण रौला पा। 9 बजे स्टेज पर आया, 9 बजे कुछ बंदियां कोल नहीं रह गया, 4-5 खड़े हो गए, गालां कट के कहन लगे तू 7 तो 9 शो दिखाना सी, तो 9 बजे स्टेज पर आया। पता उसने की आख्या, मित्रों तुसी अपनियां घड़ियां वेखो 7 बजे ने, मैं ठीक आया टाइम सर। सारियां ने घड़ियां वेखियां 7 ही बजे, मैं अपनी घड़ी देखी मैनु देख के हैरानगी हुई 7 बजे। तो मैं नाल दे साथियों नू कहां जरा मेरी घड़ी देखो, मेरी अखां नू धोखा तो नहीं लग रहा, सारे ही कहने 7 बजे ने। तो गोगिया पाशा कहन लगा आज इतना ही दिखाना है, बाकी कल जाओ जाओ। बाहर निकले तो घड़ी तो 9:15, घड़ी ठीक चले। कुछ ऐसिया ये सिद्धियां हैं किसी वक्त में जिक्र कर देंगे, इसका भी खुलासा कर देंगे, ये सिलसिला है। एक सज्जन मेरे नाल 6 महीने चलता रहे, फिर बाद च मैं उन्होंने हाथ जोड़े, मैं कहा नहीं तू जा, वो इस तरह का सिलसिला करता सी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते नातक चेतक किए कुकाजा, प्रबलो गन के आवत राजा। मैं उस माता नु कहा बंबे विच राख निकल दी है केसा चो हथा चो, तो राख जे देखनी है तो अजे भी भारत विच कई थां ते तैनू राख पिंडां विच मिल जाएगी चुल्हिया नहीं। अवतार तो यह होंगे किसी की जिंदगी नूर कर दे, चानना कर दे, प्रकाशमई कर दे, प्रभु नाल जोड़े की नाटक चेटक। नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रबलो गन के आवत लाजा। गालिब कहें ऐ ईसा मैं तेरिया इन्होंने सिधिया नाल सहमत नहीं, होवेंगा तू ईसा, होवेंगा तू अवतार गालिब। एक खेल है औरंग सुलेमा मेरे नजदीक, एक बात है अजाज मसीहा मेरे आगे। हजरत ईसा दे मौजे ये बच्चियां दा तमाशा है। गालिब कहिंदा मेरी दिलजोई नहीं आउंदी, इतनी सियाणी अकल दा जो मालिक है संसार दे सब कुछ छोटा हो जांदा है। तख्त सुलेमानी छोटा हो गया, रिधियां सिधियां बेमैनी हो गई, ऐसा मनुख किस तरह जीवे बेचैन परेशान। जितना सियाणा मनुख होवेगा उतना दुखी होवेगा, जितना मूर्ख होवेगा उतना दुखी नहीं होवेगा। जैसे पशु दुखी नहीं आते, पशु बोर नहीं आते, पशु बेचैन भी नहीं आते, पशु कभी पागल भी नहीं आते। हाँ वह पशु जरूर पागल हो जाते हैं जिन्हां विचारियां नूं मनुखां नाल रहना पैंदा, बंदियां दे नाल रहना पै जाए तो बंदे उन्हां दी प्राकृतिक जिंदगी च फर्क पा देंदे ने, बेचारे वह भी पागल हो जाते, वरना पशु पागल नहीं आते, पशु बोर नहीं आते, पशु बेचैन नहीं आते। मैं फिर दोहरावां सुख दे च जी रहे ने पशु, आनंद जी रहे ने देवते, मनुख दुख दे जी रहे। हुण दूसरा नुकता बयान करा, निरंकार दे मार्ग की यात्रा दुख दे ज्ञान तो आती है, उंज नहीं आती। धर्म की यात्रा नाम जपण की लगन इथों पैदा होंदी है, सब कुछ दुख है, सब कुछ मौजा ही बाहर ने, तो की नाम जपना तो की किसी ने धर्म के मार्ग से चलना, पता चल जाता दुख है। जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है, जगत दुख है, सब कुछ दुख है। अगर ऐसा बोध हो गया मनुख सियाणा है, जितना सियाणा होगा उतना ही दुखी होगा, उतना बेचैन होगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने दुख किया पंडा खुलियां सुख नानक सियो कोय। हर बंदा की है दुखां दी पंड जरा खोल के वेखिए, सिवाय दुखां दे और कुछ भी नहीं है। तुसी आखोगे पंड खोलन दा ढंग की है, पंड खोलन दा एक ढंग है, दूजे नूं खोलन दा एक ढंग है कि बस अपना एक दुख तुसी उसनूं बयान करके सुना दो, अपना एक दुख, फिर अगला चुप ही नहीं करेगा, अगले सैकड़े दुख सुनाएगा, वारी नहीं आन देगा बोलन दी। इस वास्ते सियाणा मनुख कतई अपना दुख किसे दे अगों नहीं रखदा, सियाणे मनुख दी इह पहचान नहीं रखेगा। उन्हों पता मैं अपना एक दुख सुनावांगा, इहदे 100 सुनने पैणगे,
क्योंकि हर बंदा दुखां दी पंड है और की है। इसनू दी जौक ने इस ढंग नाल बयान कीता है, मेरे चेहरे से गम आशकारा नहीं है, पर ये न समझ के ये गम का मारा नहीं है। डूबने को तो डूबे हम भी, लेकिन अहले साहिल को हमने पुकारा नहीं है। कहिंदा डूबिया मैं भी हाँ, गोते मैं भी खा देन, पर मैं इस तरह चीखिया चिलाया नहीं वे मैं मर गया जी, मैं डूब गया जी, मैं तबाह हो गया। ये रोना पिटना मैं नहीं रोया, क्यों? सारे ही डुबदे पैने ते डुबदे अगों मैं की रोना रोवा, मैं डुब रहे हैं। जब सारे ही डुबदे पैने, सारे ही दुखी ने, हर मनुख दुखां दी पंड है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते दुखियां पंडा खुलियां, सुख ना निकसियो कोई। किसी भी पंड नू खोल के देख लो, सिवाय दुखां दे होर कुछ नहीं निकलेगा। मनुख की है दुख है, पशु की है सुख है, देवता की है आनंद है। मनुख दा भविष्य है देवता होना, जिन माणक ते देवते की ये करत ना लागी। गुरु दी संगत मनुख नू देवता बनांदी है, पर कदों बनांदी है? जद मन गुरु नू मन्ने, मन्ने की गत कही न जाए। मनना मन दा कम है। जैसे असी भोजन छकदे हां, भोजन दा कुछ हिस्सा शरीर दे च रह जांदा है, खून बन के, मांस बन के, मिंज बन के, इंद्रियां दी शक्ति बन के। इस तरह असी जगत दे जो देखदे हां, पढ़दे हां, सुनदे हां, जो मन मन लैंदा है वह मन दा हिस्सा रह जांदा, बाकी नहीं, बाकी नहीं। ये दो नुक्ते बयान करके मैं समाप्ति करां। चंगे तो चंगा भोजन छकी है, उसका कुछ हिस्सा शरीर दे चले जाता है, खून बन के, मांस बन के, शरीर की तवानाई बन के। जो असी वेखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, इस दे चो जिस जिस नू मन मनदा है वह मन दे चले जाता है, बाकी नहीं, बाकी नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते मनुख दे मन नू जे चीर के वेखिए, जैसे तन दे भोजन है और की भोजन ना खाइए तन नहीं हो सकता, खून बनता है, मांस बनता है, एक छोटा जहा बच्चा जो वध रहा है भोजन के आसरे से वध रहा है, शरीर से भोजन है, तो मन की है जो मैं अज तक मनिया वो मेरा मन है, होर की है। अगर मन नू कोई फोल के देख सके तो मन दिच की मन मिलेगा? मन दिच ओही कुछ मिलेगा जो मैं मनिया है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते मन नू खोल के देखिए, परिवार भी मिल जाता है, धन संपदा भी मिल जाती है, मनुख दे मन विच निरंकार नहीं मिलता, नहीं मिलता, क्योंकि मन ने मनिया नहीं है। बाकी सब अपने ने, परमात्मा एक ओपरा है, वो मन का हिस्सा नहीं है। माया मोह सगल जग छाया, कामन देख काम लोभाया, सुत कंचन से हेत वधाया, सब कुछ अपना एक राम पर आया। जाहूं काहूं अपनो ही चित आवे, कौन याद आवेगा जो अपना है, कौन याद आवेगा जिसनु मन ने मनिया। तो जो याद नहीं आया, तो जिसनु मन मंदा ने पिया, मन का हिस्सा नहीं है। तो महाराज गुरु नानक देव जी कहते मन विच परमात्मा नहीं है, मन विच परिवार है, मन विच पदार्थ है गे ने, मन विच मित्र है गे ने, पुत्र है गे ने, पत्नी है, पति है, मां बाप है गए ने, पड़ोसी है गए ने, धन संपदा है गई है, मन विच परमात्मा नहीं है। ये सत्संग इस वास्ते है किधरे मन गुरु नू प्रभु नू प्रभु करके मन लवे। धर्म दी साधना मन दी साधना है, मम्मा मन से काज है, मन सा दे सिद्ध होए, मन ही मन से कहे कबीरा, मन सा मिलिया न कोए। सारे मंदिर, सारियां इबादत गाहां, सारे गुरुद्वारे, सारे अवतारी पुरुष बेमैनी हो जाते हैं उस मनुख वास्ते जिदा मन नहीं मनता। होवन पै इतने मंदिर हैं ते होवन पै, है ने ते अवतार होवन पै, है गे ने इतने धर्म ग्रंथ ते होवन पै, मन नहीं मनता। जिसका मन नहीं मनता, यकीन जानो दे सामने सारे धार्मिक मंदिर एक अडंबर बन के रह जाएंगे। एक कोशिश है कथा कीर्तन दे राही, पाठ पूजा दे राही, किधरे मन परमात्मा नू परमात्मा करके मन लवे। इस वास्ते कहनन धर्म दी खोज मन चो करनी पेगी, परम आनंद दी खोज
मन चो करनी पेगी और ये खोज दे जेडे नुकते गुरबाणी बयान कर रही है तुच्छ बुद्धि अनुसार रोज मैं थोड़े सामने रखांगा ताकि किसी दिन शौक जाग पवे नहीं मन दे चो लभना है उस सौगात नु प्राप्त करना है जिस लई ये मनुखा दे ही मिली है जिस लई सानू मनुख कहिंदे ने बाकी विचारा कल समय नु ना लमकाइए बड़े टिकाव नाल एकाग्रता नाल तुसी सुनिया है सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद भुल चुक दी क्षमा फतेह प्रवान करनी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।